प्रधानमंत्री मोदी आज सोमवार को दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुवाई जैसे कामों में मददगार होंगे। पीएम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण पर बात की तब कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान किया। मोदी की स्कीम जमीनी अनुभवों के नतीजों पर आधारित है। आज हमने 10,000 करोड़ रुपए की राशि इन दीदियों के खातों में जमा कराई है। पीएम ने साथ ही कहा कि कोई भी देश या समाज में नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों के लिए महिलाओं की मुश्किलें और उनका जीवन कभी प्राथमिकता नहीं रही। मेरा अनुभव है कि अगर महिलाओं का थोड़ा अवसर सहारा मिल जाए तो उन्हें सहारे की जरूरत नहीं रहती, वो लोगों का सहारा बन जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमवार को दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे। पीएम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण पर बात की तब कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान किया, लेकिन मोदी की स्कीम जमीनी अनुभवों के नतीजों पर आधारित है। अलग अलग हिस्सों से आई हुई विशाल संख्या में यहां पधारी हुई और आपके साथ साथ वीडियो के माध्यम से भी देश भर में लाखों दीदी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सभागृह में मैं देख रहा हूं कि शायद ये लघु भारत है, हिंदुस्तान का हर भाषा हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्व सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, यह आंकड़ा छोटा नहीं है। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो किशोरी बहन मुझे कह रही थी तो हर महीने 60-70 हजार 80 हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने में। अब देश के नौजवानों को भी प्रेरणा दे सकते हैं, गांव में एक बहन अपने उद्यम से हर महीने 60-70 हजार रुपए कमाती है, उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ किशोरी वहां बैठी है, हाथ ऊपर कर रही है। और जब मैं ये सुनता हूं देखता हूं तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ यार हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा।